Welcome once again, friends. We'll go for problems on dielectrics. Already I have taken some problems on dielectrics, some cases I have explained you. Now we'll actually solve the problem. Now this is the problem. A parallel plate capacitor has two plates of sides 0.055 meter and 0.04 meter. The distance apart is 0.7 millimeter. The dielectric constant of the medium between the plates is 4. Calculate the capacity of the capacitor. पहले आपको प्लेट का एरिया निकालना पड़ेगा हर एक प्लेट का. तो प्लेट का डायमेंशन कितना दिया है? एक दिया है 0.04 मीटर और ये दिया है 0.05 मीटर. एक्चुअली ऑफ कोर्स ये इधर होना चाहिए बिकॉज दिस इज लेस ना. दिस इट्स ओके करेक्ट. इट इज इट्स बिगर देन दिस. सो एरिया फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं. इट विल बी 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.04. 5 4 जा 20. 1 2 3 4 20 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर. डी कितना दिया अभी आपको आएगा सब. डी 0.7 मिलीमीटर दैट इज 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ए मिल गया, डी मिल गया. एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मालूम है 8.85 वोल्ट डालने का. और कुछ नहीं, k का वैल्यू दिया है, k दिया है 4. सो आपको लिखना है c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d. तो बेटा इसका वैल्यू डालो, कैलकुलेट करो. इसका आंसर मैंने निकाला नहीं है, देन यू मे ट्राई फॉर दैट. पॉज द वीडियो एंड ट्राई. आंसर है 110 माइक्रोफेरेड. और अपना इसका वैल्यू लेना पड़ेगा ना आपको, इसका वैल्यू लेना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट का 8.85 टू 10 रेस टू माइनस 12. ये सब डालो, इतना आंसर आना चाहिए, चेक करो. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम. आपके सामने रखता हूँ ये प्रॉब्लम अगेन. थोड़ा सा रिजोल्यूशन थोड़ा कम करता हूँ इसका. ओके, एंड दिस इट्स ऑल. अभी एक दूसरा प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एवरीथिंग, यू विल डू. दिस इज अ होमवर्क. ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू, बट सॉल्व आपको करना है. आपको बताऊंगा खाली. ये कॉम्बिनेशन दिया है, यहाँ पे दिया है तीन डायलेक्ट्रिक. पहले दिया है K1, तो ये पूरा एरिया है A, उसको डिवाइड किया है हाफ हाफ में, A by 2 A by 2. यहाँ पे उन्होंने दिया है K1, मतलब उसका आधा पार्ट कौन है, डायलेक्ट्रिक K1 है. बचे हुए पार्ट में उन्होंने आधा आधा किया है. फिर से इसको बोला K2, इसको बोला K3. बड़ा ये K2 और ये K3. इसमें क्या क्या है, यहाँ पे तो D कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे D by 2. तो पहले इसको क्या करने का, आपको दो केसेस मैंने दिखाए, फिर से मैं दिखाता हूं आपको. ये प्रॉब्लम है, ये देखो केसेस. इफ यू वांट दिस यू मे नोट डाउन दिस. If I am dividing the area by the two dielectrics, the effective is coming K1 plus K2 upon 2. Or if I am dividing distance, then K effective aata hai 2K1 K2 upon K1 plus K2. So, 1 will be taken as series, parallel, whatever you can call it as. Area division K1 K2 by 2 दो है, इसलिए अगर तीनों ने मिलके एरिया डिवाइड किया तो K1 K प्लस K2 प्लस K3 by 3 ये है डिस्टेंस में. तो यहां पे आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. ओके, तो दो के लिए, तो पहले एरिया डिवीजन. तो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, ये तो K1 है, ये दोनों को मिला के मैं इधर डायग्राम निकालता हूँ, थोड़ा इसको पीछे करता हूँ, ये दोनों को मिला के, ये दो जो है ना उनको मिला के मैं बोलता हूँ के डैश और इसको बोलता हूँ के वन, बराबर। तो यहां पे एरिया डिवीजन किया है, अगर एरिया डिवीजन किया है तो फॉर्मूला क्या, के वन प्लस के टू अपॉन टू। तो यहाँ पे के वन ये है अपना, सो के इफेक्टिव विल बी के वन प्लस के डैश अपॉन टू, ये पूरा मिला के। और सी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, सी इफेक्टिव विल बी ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको कांस्टेंट रखने का, इसको ए बाय टू ए डी कुछ ख्याल में लाने का नहीं मन में, क्योंकि हमने के को ऑपरेट करके वो सब किया है ना, इधर इधर आपको दिखाने के लिए ये सब मैंने इधर ऑलरेडी किया है, और उसको मिला के मैंने एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को बाहर निकाल के जो के का वैल्यू बच गया था उसको मैंने लिखा है के वन प्लस के टू अपॉन टू। तो बाकी का तो वैसे ही लिखना है आपको, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के प्लस के डैश अपॉन टू, ये बन गया एक आंसर, एक मतलब पार्ट ऑफ द आंसर। ओके, इसका मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, मेरे पास है वो प्रॉब्लम, उसका आंसर है, हाँ लिखा है इधर, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, इधर तो लिखा है आंसर, ये हो गया। अभी अपन को के डैश निकालना है ना, के डैश निकालना है, के डैश के लिए क्या करने का, दूसरा फॉर्मूला भी डिस्टेंस सेपरेशन, के डैश विल बी टू के टू के थ्री अपॉन के टू प्लस के थ्री। तो अभी इसको के डैश को इधर डालते हैं, अभी हो गया ना, बोलते बोलते मैंने सॉल्व किया, क्या अरे यार मैं भी ना 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 बोलते मैं सॉल्व करते चला गया। इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, के बाय टू, इसको के वन लिखना पड़ेगा ना, ये के वन है, के वन बाय टू प्लस, ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया टू के वन के सॉरी के टू के थ्री अपॉन, ये टू है ना के हाँ, इसके बीच में टू आएगा नीचे, और के टू प्लस के थ्री, और ये टू टू चला जाएगा, मेरा आंसर आ गया। तो ये प्रॉब्लम और उसका आंसर मैंने दिया है, यू ट्राई टू सॉल्व दैट, सो दैट वॉज द थिंग। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम नॉट एबल टू give you much more, but still it is there na, first third video it is there. Okay, next tomorrow we will try for more problems, and it's okay, some more MCQs we will see. So tomorrow will be the day for MCQ, so let us jot out the things. Tomorrow we will solve MCQs practice on chapter 2. इसमें से मैं एक्चुअली गॉस थ्योरम से ले लूंगा, गॉस थ्योरम का ठीक है, गॉस थ्योरम का अगर मैंने लिया एप्लीकेशन, मैं क्या करता हूँ कैपेसिटर्स ऑल, इसमें आपको मैं इफ आई विल गेट अ टाइम आई विल मेक अ वर्कशीट फॉर यू, और वर्कशीट भेज दूंगा आपको, और उसी वर्कशीट में से प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, मतलब आपके पास वो पीडीएफ में वर्कशीट होगा और यहाँ पे मैं उसमें से सिलेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ये सही चलेगा ना, ठीक है। सो अच्छी पढ़ाई करो, अब देखते हैं लॉकडाउन का कैसे क्या होता है, सून वी विल मीट इन द स्कूल, तब तक आप ये अपना कंसेप्ट मेरे से भी ज्यादा ठीक करो, मतलब मैं पूछना चाहिए आपको, अरे बेटा वो उसका आंसर कैसे आएगा, तो आप बोलना चाहिए सर ऐसे ऐसे करो, एक कितना इजी है सर ये, तो ऐसा होना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, देखते क्या होता है, ठीक है, दैट्स ऑल। सो टुडे विल कॉल अ डे, थैंक्स अ लॉट, रिगार्ड्स, टुमारो विल हैव ग्रेट सेशन, अ लेंथी सेशन टुमारो, टुमारो इट विल बी ओके।